नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका learndaddy.com के 3ds Max ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्कैटर्स। तो हम स्कैटर्स का यूज़ कैसे करते हैं 3ds Max के अंदर और किस काम के लिए हम स्कैटर का यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम स्कैटर्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर स्क्रीन को यहाँ रख देता हूँ और एक प्लेन को यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में और यहाँ से एक प्लेन को ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से। देन इसमें कुछ लेंथ सेगमेंट्स हम कम कर देता हूँ यहाँ से। आप मान लीजिए जैसे कि मैं ले लेता हूँ 50 और यहाँ से भी सेगमेंट्स को ऐड अप करके हम डाल देते हैं 70 डालने के बाद एक तो सेगमेंट हमने इस पे बना दी, इसके ऊपर वर्क करेंगे। उसके बाद एक और हम यहाँ से लेते हैं स्फीयर और एक स्फीयर यहाँ पे मैं छोटा सा ले लेता हूँ, छोटे साइज का स्फीयर ले लेते हैं। तो इस स्फीयर को मैंने क्या करना चाहता हूँ कि इस स्फीयर को मैं इसके ऊपर राउंड राउंड घुमाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपने यहाँ से स्टैंडर्ड परमिटिव्स में जाना है कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में और यहाँ पे ऑप्शन आता है स्कैटर का। स्कैटर भी सेम एज इट इज़ वैसे ही रेफरेंस हम लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपी इंस्टेंस रेफरेंस मूव। तो उसी तरह से इंस्टेंस का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि आप बाद में जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सको। तो उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास इंस्टेंस के में क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ट्रांसफॉर्म मेथड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका जो है कलर मैं शेप कर देता हूँ, जैसे मैं इसका ग्रीन कलर कर देता हूँ। देन यहाँ से बिग डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सेम एज इट इज़ के ऊपर भी वो ऑप्शन आ गई है, उस पर ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो यहाँ से आप उसको गायब भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से डिस्प्ले का ऑप्शन आता है हाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। या रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो आप। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आती है, सबसे ऊपर चलते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आती है आपकी डुप्लीकेट्स, तो कितने डुप्लीकेट्स देना चाहते हो उतने डुप्लीकेट्स आप यहाँ से दे सकते हो। तो जितने ज़्यादा डुप्लीकेट्स चलोगे उतने ही डुप्लीकेट्स आपको यहाँ पे अरेंज कर देगा और कुछ इस टाइप में यहाँ पे आपको ये शेप करके क्रिएट करके दे देगा। देन यहाँ पे आपका बेस स्केल होता है कि आप बेस की जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो कितना रखना चाहते हो, उतना साइज आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको कम कर देते हैं। जैसे ही मैं कम करूंगा तो इसका साइज़ कम होता चला जाएगा, तो मैक्सिमम आपका 100% जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता है वर्टेक्स चाउस। तो वर्टेक्स चाउस क्या करता है, आपके वर्टेक्स को थोड़ा सा तोड़ देता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसने इसको तोड़ दिया है, तो आप तोड़ना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको तोड़ सकते हो। देन यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है ये परपेंडिकुलर कैसे करते हैं, हम इसको यूज़ करेंगे। देन उससे पहले यहाँ पे यूज़ सिलेक्टेड फेसेस पे करते हैं। तो यहाँ पे जो फेस आप सिलेक्ट करोगे या कोई फेस आपने सिलेक्ट करके रखा होगा तो ये वहीं पे जाके बन जाएगा। और परपेंडिकुलर को अगर मैं अनचेक कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये सर्कल जो है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर क्रिएट हो रहा था, लेकिन अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से शेप को क्रिएट कर देंगे। उसी तरह से अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन टाइप रखना चाहते हो एरिया पे, तो एरिया में ये एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। इवन पे भी आप कर सकते हो तो ये कुछ इस टाइप से देगा। स्किप नंबर करोगे आप तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा कि आपके जो एक ही पोर्शन पे सारा ऑप्शंस यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ से आप इसको डिस्टेंस दे सकते हो, जितना डिस्टेंस दोगे ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्टेंस दे के आपका सेटिंग करना शुरू कर देगा। इस तरह से भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप रैंडम फेसेस के ऊपर करोगे तो रैंडम फेसेस पे सिलेक्ट कर देगा, अलोंग एजिस करोगे तो अलोंग एजिस के अकॉर्डिंग कर देगा। और यहाँ पे सबसे ऑप्शन आता है ऑल वर्टिसेस, तो ऑल वर्टिसेस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो ये ऑल वर्टिसेस के ऊपर आपको कुछ इस तरह की शेप को क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ से आप इसकी स्केल को कम करोगे तो आप किसी भी तरह से आप इसकी शेप को क्रिएट कर सकते हो, या कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटल कर सकते हो। देन ऑल एजिस मिड पॉइंट, ऑल एजिस जो भी मिड पॉइंट के मिड पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये स्केल कर देगा। यहाँ से आप स्केल करके देखिए, इसको कम करके देखिए, तो इसने कुछ इस तरह से यहाँ पे स्केल आपकी बना के दे दी है। उसी तरह से अगर आप यहाँ से, मैं इसको स्केल को 100% कर देता हूँ,
देन यहाँ पे आता है ऑल फेस सेंटर्स। तो ऑल फेस सेंटर्स क्या करते हैं कि आगे सारे फेसेस के जो सेंटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग कर देगा, और यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन आता है कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पे फिक्स कर देगा। देन उसके बाद नीचे ऑप्शन आते हैं कि रिजल्ट और ऑपरेंट्स। तो रिजल्ट में क्या होगा कि आप जब रेंडर करोगे तभी वो रिजल्ट को शो करेगा, इधर ऐसे रिजल्ट शो नहीं करेगा। अगर अभी देखना चाहते हो रिजल्ट तो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। देन यहाँ पे आपकी रोटेशन आती है, रोटेशन एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से रोटेशन को चेंज कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ से मैं मूव करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से आपकी रोटेशन को मूव कर देगा। और उसी तरह से वाई एक्सिस में अगर आप करना चाहते हो तो वाई एक्सिस में भी ये चेंज करना शुरू कर देगा। देन उसी तरह से जेड एक्सिस पे अगर आप करना चाहते हो तो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग ही आपकी रोटेशन को मूव कर देगा। तो यहाँ से आप रोटेशंस को मूव कर सकते हो। और यहाँ पे आता है यूज़ मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज को क्लिक करोगे तो आप सिर्फ एक्सिस के अलोंग, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही इसकी रोटेशन को मूव कर सकते हो किसी भी पैटर्न में। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है, जो इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, लोकल ट्रांसलेशन। तो लोकल ट्रांसलेशन पे अगर आप करते हो तो ये कुछ इस तरह से आपकी जो पोजीशंस हैं उनको चेंज करना शुरू कर देगा। मैं यहाँ पे ऑल वर्टिसेस कर देता हूँ तब आपको थोड़ा सा इसमें इजीली समझ आएगा। तो यहाँ से लोकल ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, वाई एक्सिस के लॉन्ग करते हैं तो ये कुछ इस तरह से करेगा। देन जेड एक्सिस के लॉन्ग ये कुछ इस तरह से इसकी पोजीशंस को चेंज कर देगा। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हो। यूज़ मैक्सिमम रेंज करिए तो ये यूज़ मैक्सिमम रेंज के अकॉर्डिंग आपकी सेटिंग कर देगा। देन इसको अनचेक कर दीजिए, इसको भी अनचेक और इसको भी अनचेक कर देते हैं। यहाँ पे आ जाता है ट्रांसलेशन ऑफ फेस ऑन फेस। तो इस पर भी अगर हम सेटिंग करेंगे तो ये भी कुछ इस तरह से आपकी सेटिंग्स को कम ज़्यादा करना शुरू कर देगा। बी और एन के लॉन्ग भी ऐसे ही कर सकते हो आप। स्केलिंग भी कुछ इस तरह से ही होगी, जैसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर स्केलिंग करते हो तो कुछ शेप्स को ये कम कर देगा, कुछ को ज़्यादा कर देगा। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। वाई एक्सिस के लॉन्ग भी ये शेप्स को चेंज कर देगा। देन जेड एक्सिस के लॉन्ग भी आप इनकी शेप्स को कम ज़्यादा कर सकते हो। देन यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन है, मैच का ऑप्शन है। तो प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रॉक्सी में ये क्या करेगा कि अगर आपके पास आपकी जो वैल्यू है और आपका जो पीसी है थोड़ा लोड कर रहा है, इसको लोड करने में दिक्कत ला रहा है, तो इसकी वैल्यू को ये लो कर देता है और इसको बॉक्सेस में क्रिएट कर देता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है, आपका जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। जब रेंडर करोगे तो ये ओरिजिनल इसकी वैल्यू को यहाँ पे शो कर देगा। उसी तरह यहाँ पे सीडिंग भी दी हुई है तो सीडिंग को भी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो मेनली जो स्कैटर का यूज़ होता है वो किस तरह से होता है, मैं इसको अगर डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो मैं इसे डिलीट कर देते हैं और इसे भी डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे ये प्लेन दिया हुआ है आपको, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ एसी एक्सटेंड में और यहाँ से फोलियज पे लेता हूँ और कोई भी एक ट्री यहाँ से उठा के रख देता हूँ। रखने के बाद अब सेलेक्ट करके इसको मॉडिफाई करके इसका जो साइज़ है वो मैं कम कर देता हूँ यहाँ से। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं भी इन चीज़ों को शो करना है कि अगर आप चाहते हो कि आप एक फॉरेस्ट टाइप या कोई खेत अगर आप दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और इधर से मैं इसे जनरेट और यहाँ पे व्यू पॉट कैनोपी मोड नेवर कर देता हूँ। तो आपका यहाँ पे ये शो होना शुरू हो जाएगा। देन सेलेक्ट करते हैं इसे। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने कंपाउंड ऑब्जेक्ट में स्कैटर का यूज़ करना है। देन ऑब्जेक्ट ले लेना है, तो उसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कॉपीज, डिफरेंट डिफरेंट जितनी कॉपीज करना चाहते हो उतनी कॉपीज यहाँ से कर सकते हो। करने के बाद जैसे मैं अनचेक करता हूँ यहाँ से, तो आपका ये कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे कि मेरे भी यहाँ पे पीसी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इस तरह की वैल्यूज़ को अगर आप दिखाना चाहते हो, अगर ऐसी वैल्यूज़ को आप दिखाना चाहते हो तो आप सिंपली स्कैटर का यूज़ करके आप यहाँ पे ये चीज़ें शो कर सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा इसको सेटल करने में।
तो दोस्तों इस तरह की अगर आप कोई सेटिंग्स करना चाहते हो या इस तरह से आप किसी भी चीज़ को शो करना चाहते हो तो आप यहां से इजीली कर सकते हो। तो बहुत ही इजी पैटर्न है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि हम स्कैटर्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं 3ds Max के अंदर। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप ऑडोरेक्स की साइट पे जाके भी उधर से F1 प्रेस करके आप किसी भी ऐप के ऊपर F1 प्रेस कर दीजिए, देन आप उसके बारे में सेटिंग्स में जान सकते हो कि ये सेटिंग्स हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने F1 प्रेस किया तो यहाँ पे आपको व्यू पोर्ट के बारे में उसने बिल्कुल ही सिंपली तरीके से बता दिया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे स्कैटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट स्कैटर पे करता हूँ और F1 प्रेस कर देता हूँ तो ये स्कैटर के बारे में भी मुझे बताना शुरू कर देगा। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर स्कैटर के बारे में अगर आप नॉलेज चाहते हो तो क्या करना है, अपने मॉडिफाई लिस्ट पे जाना है, यहाँ पे S और यहाँ से आपने कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाके स्कैटर पे क्लिक करके यहाँ पे आपने F1 प्रेस कर देना है तो आपको यहाँ पे क्रिएट पैनल के बारे में बता देगा। और यहाँ से ही आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं स्कैटर्स का। तो थैंक यू सो मच आपका हमारी ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।